आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये अमल किसी से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ही मजरब है। कोई शख्स ऐसा है जिससे आप अपनी कोई जायज़ बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन वो हर बार ना ही कर देता है, ना ही बोल देता है, तो इंशाल्लाह ये अमल करें। वो इंसान कितना सख्त क्यों ना हो, उसका दिल कितना भी सख्त क्यों ना हो, आपके पास है या आपसे दूर है, इंशाल्लाह आपकी बात सुनेगा, मानेगा। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि जायज़ बात हो, नजायज़ बात ना हो। ऐसा ना हो कि आप नजायज़ काम के लिए किसी से बात मनवाना चाह रहे हों, जायज़ बात हो, चाहे घर वालों से मनाना चाहें, माँ बाप से कोई बात मनवानी है, बहन भाइयों से बात मनवानी है, बीवी ने मियाँ से, मियाँ ने बीवी से बात मनवानी है, कहीं आप जॉब करते हैं, कोई ऑफिसर है उससे कोई बात मनवानी है, कोई कोलीग है, कहीं स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई टीचर है या आपके कोई क्लास फेलो हैं, कोई जायज़ बात हो, कोई मोहल्लेदार है, कोई रिश्तेदार है, आप कोई जायज़ बात मनवाना चाहें तो इस अमल को कर लें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जो मेरे भाई बहन मिलने के लिए आते हैं, उन सब से गुजारिश करूँगा कि टाइमिंग का ख्याल रखें और दिन का ख्याल रखा करें। अगर आपको एड्रेस समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर आके लोकेशन ले लें ताकि आपको आने में आसानी आ जाए। और जो भी मेरा भाई बहन आता है, मेहरबानी करके जायज़ मकसद के लिए आए, नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल मत आए। अमल इस तरह करना है कि अगर आपने किसी से बात मनवानी है तो सिर्फ 3 से 5 मिनट का अमल है। सबसे पहले एक बार दुरूशी पढ़ लें अपनी ज़ुबान से, उसके बाद अपनी ज़ुबान को अपने तालू के साथ लगा लें, यानी कि ये ज़ुबान है, इसको ऊपर जो होता है जिसे मुंह भी बोलते हैं, जो ऊपर वाली साइड होती है, उसके साथ इसको टच करके, यानी कि इसको उसके साथ लगा लें। और दिल के अंदर ज़ुबान आपकी हिलनी नहीं चाहिए, वो तालू के साथ लगी होनी चाहिए, और सिर्फ 3 बार आपने सूरह कुरैश पढ़ देनी है। जिस बंदे के या बंदी से अपनी बात मनवानी है, कोई भी आपका जायज़ काम है, उसकी नीयत से करने के बाद जब आपने पढ़ ली, दिल से पढ़नी है, ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी, या आप सामने देखकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना है दिल से, ज़ुबान से नहीं, क्योंकि ज़ुबान आपकी आपके तालू के साथ लगी रहनी चाहिए। जब आपने 3 बार पढ़ लिया तो तसव्वुर में ही दम कर दें, उसके बाद एक बार फिर दुरूशी पढ़ लें, ज़ुबान से दुरूशी पढ़ लें, ऊंची आवाज़ में भी पढ़ सकते हैं, हल्की आवाज़ में भी, दिल में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसके सामने चले जाएं, यानी कि सामने जाने से या उस पर फ़ोन से बात करने से, किसी तरह भी अगर आपने उससे कोई बात करनी है तो उससे 2 मिनट 3 मिनट पहले ही आपने अमल कर लेना है, इंशाल्लाह उसके बाद उससे बात करें, वो आपकी बात सुनेगा, बात मानेगा। लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि शर्त ये है कि जायज़ बात हो, नाजायज़ बात ना हो, इंशाल्लाह ज़रूर मानेगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो सदका जारिया समझ के अपने लाइक करके शेयर करना है, चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन होता है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अगर मुझसे बोलने में, कुछ कहने में किसी का दिल दुखता है या किसी से मेरे मुँह से कुछ गलत बात निकल जाती है तो खुदा रहा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।